आपने कोई अपराध किया कि नहीं किया? नहीं, मैंने कोई अपराध नहीं किया है। कोई मर्डर किया कि नहीं? इसका भी अनुसरण करें, आपके खिलाफ बहुत सारे क्रिमिनल केसेस हैं। हाँ, मेरे खिलाफ दो केसेस हैं। मर्डर का केस है, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है। देखिए, मेरे पास उस पे फाइनल रिपोर्ट, जो जांच एजेंसी थी उसने पहले उसमें फाइनल रिपोर्ट लगा चुकी है। दूसरा केस मेरे खिलाफ दंगा भड़काने का होगा, वो तब जब मैं जेल में था, तब मेरे खिलाफ जब मुझे 107-16 जिसकी आप। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पूरी जानकारी के लिए वीडियो पूरा जरूर देखें, स्किप करके ना देखें। तो आप योगी हैं, आपका तो चेहरा देखते ही लोगों को शांत हो जाना चाहिए। अब एक तस्वीर मुझे मिली, ढूंढते ढूंढते आपने ये, आप बाघ को, टाइगर को दूध पिला रहे हैं। टाइगर जैसा साहस जिसमें होगा वही टाइगर को दूध पिला सकता है। तो क्या इंप्रेशन देना चाहते हैं, क्योंकि आपके लोग नारा लगाते हैं उत्तर प्रदेश में रहना है तो योगी योगी कहना है। तो योगी बनाना तो अच्छी बात है, भगवान कृष्ण ने भी यही तो संदेश दिया था। एक निष्काम कर्म योग की प्रेरणा देने की बात कर रहा हूँ मैं, और अगर उसका अनुसरण लोग करते हैं तो अच्छी बात होगी। इसका भी अनुसरण करें, आपके खिलाफ बहुत सारे क्रिमिनल केसेस हैं। हाँ, मेरे खिलाफ दो केसेस हैं। मर्डर का केस है, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है। देखिए, मेरे पास उस पे फाइनल रिपोर्ट, जो जांच एजेंसी थी उसने पहले उसमें फाइनल रिपोर्ट लगा चुकी है। दूसरा केस मेरे खिलाफ दंगा भड़काने का होगा, वो तब जब मैं जेल में था, तब मेरे खिलाफ जब मुझे 107-16 जिसकी आप बात कर रहे थे, जिस भाषण का आप उल्लेख कर रहे थे, उसी मामले में जब मैं हिंदू लड़के के हत्या के बाद मुझे जेल में बंद किया गया था, और 107-16 के उस इलीगल डिटेंशन के मामले को कोर्ट ने खारिज कर दिया था, तो मेरे खिलाफ एक मुकदमा दर्ज उत्तर प्रदेश सरकार ने फिर किया था। आप कह रहे मुकदमे झूठे हैं? नहीं, ये झूठा नहीं, उसका मामला कोर्ट में चलेगा, कोर्ट उसका फैसला करेगा। आपने कोई अपराध किया कि नहीं किया? नहीं, मैंने कोई अपराध नहीं किया है। कोई मर्डर किया कि नहीं? नहीं, कोई मर्डर, आप मुझे, मैं मुझे, आपको लगता है कि मैं मर्डर करूंगा? अगर आपको अपराध नहीं करने तो आपके पास में 1,00,000 रुपए की रिवॉल्वर क्यों है? 80,000 रुपए की राइफल क्यों है? मेरे पास है ना, मैंने क्या कहा, दहशत फैलाने के लिए। एक सन्यासी होने के नाते हमारे पास दोनों की, सन्यास की हमारी जो प्रशिक्षण होता है वो दोनों का होता है, शास्त्र का होता है तो शस्त्र का भी होता है, एक माला जपने का होता है तो भाला चलाने का भी होता है, दोनों को एक साथ लेकर हम लोग चलते हैं, और वह सुरक्षा के नाते, इसलिए हमारे पास है और वो रहेगा भी। तो हमारे जैसे लोग आपसे सवाल पूछने से डरना चाहिए? नहीं, कोई रिवॉल्वर निकल जाए, कोई डर नहीं। मैं कभी उसका इस्तेमाल नहीं करता हूँ, मुझे लगता है कि उससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। मैंने सुना कि आपने एक कोई छोटी मोटी फौज बना रखी है, छोटे मोटे अपराधियों को लेकर के, हिंदू युवा वाहिनी, और हिंदू युवा वाहिनी के लोग जहाँ निकल जाते हैं आतंक फैला देते हैं। एक सिंगल भी व्यक्ति, कोई एक सामान्य सी घटना भी नहीं बता सकता, हिंदू युवा वाहिनी में एक भी अपराधी नहीं, लेकिन अपराधियों को ठीक करने का कार्य हिंदू युवा वाहिनी करती है। समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी तत्वों को ठीक करने का काम वो संगठन करता है, एक सांस्कृतिक संगठन है, समाज के बीच में काम कर रहा है, दलितों के बीच, आदिवासियों के बीच, पिछड़ी जाति के लोगों के बीच, और कुष्ठ रोगियों के बीच में वो संगठन काम करता है। मैंने तो योगी जी ये सुना है कि सिर्फ पब्लिक नहीं डरती उनसे, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी डरते हैं। ऐसा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा है, एक एक बात को गौर से सुनिए। मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो सही है या गलत है, आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं। माननीय मुख्यमंत्री जी को क्या कहना चाहिए था, क्या नहीं कहना चाहिए था? मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो सही है या गलत है, आप सभी अपनी राय जरूर दें। मुझे लगता है बीजेपी से हूँ, बीजेपी मेरा राजनीतिक प्लेटफॉर्म है, हम उसका इस्तेमाल हमेशा कर रहे हैं, उसके साथ हैं, उसके साथ हर अभियान के साथ जुड़े। लेकिन बीजेपी के लोग भी आपकी युवा वाहिनी से डरते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, कोई उससे डरने की आवश्यकता नहीं है, किसी को उससे डरने की आवश्यकता नहीं। और इतना डरते हैं कि आप कह रहे हैं उनके खिलाफ कोई केस नहीं है, केस दर्ज कौन करवाएगा, किसकी हिम्मत है? ऐसा नहीं, आपको लगता है जो लोग पूरे प्रदेश के अंदर हिंदुओं के खिलाफ तमाम झूठे मुकदमे बना रहे हैं वो हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ताओं को क्यों छोड़ेंगे? सब किस खिलाफ करेंगे? अगर कोई गलत कर रहा है इसलिए कि करेंगे? उनके नेता योगी आदित्यनाथ। ऐसा नहीं, मैं किसी गलत व्यक्ति का बचाव नहीं करता। गलत व्यक्ति बचाव नहीं करते? नहीं,
कतई नहीं करता। चलिए मैं उसका सबूत भी आपको दे देता हूँ। ये 12 नवंबर 2008 का मेरे पास आपका बयान है। मुंबई का जो एटीएस है, जो आतंकवाद के केसेस की जांच कर रहा था, उसको आपने धमकी दी। आपने कहा हिम्मत है तो गोरखपुर के विधायक को अरेस्ट करके दिखाओ। मैंने कहा, मैंने तो आप कह रहे थे एटीएस, एटीएस मुंबई, उसके द्वारा झूठे बयान दिए जा रहे थे कांग्रेस और यूपीए सरकार के दबाव में। उनके द्वारा झूठे बयान प्रसारित किए जा रहे थे। पहले उन्होंने गोरखपुर के एमएलए का, पहले एमपी का नाम लिया, फिर एमएलए का नाम लिया। मुझसे टेलीफोन से बातचीत की गई। मैंने कहा अगर तुम्हारे पास कोई साक्ष्य है तो लेकर के आइए, आपका स्वागत होगा। लेकिन अगर राजनीतिक दबाव में एटीएस अपनी भूमिका से इतर राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत कार्य करेगा तो फिर दूसरे तरीके से भी स्वागत करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आप न किसी कानून को मानते हैं, न किसी एटीएस को मानते हैं, न किसी इंक्वायरी एजेंसी को मानते हैं, न पुलिस को मानते हैं। मेरा भारत के संविधान पर अटूट विश्वास है। मुझे भारत के आपका सिर्फ अपने ऊपर विश्वास है, कानून पर विश्वास है और निष्पक्ष एजेंसियों पर मेरा पूरा विश्वास है। लेकिन राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत अगर कोई कार्य करेगा, जबरन किसी निर्दोष को फंसाने का प्रयास करेगा, तो मुझे लगता है कि तब हम लोगों को फिर उसका प्रतिकार करना होगा और अन्याय के खिलाफ बोला जाना चाहिए। अन्याय के खिलाफ बोलना तो ठीक है, आप बोल रहे हैं यहाँ भी, जी बोल रहा हूँ बिल्कुल, लेकिन लोगों को भड़काना, लोगों को ये उसका हिस्सा है। पब्लिक अगर अन्याय के खिलाफ नहीं बोलेगी तो मार दी जाएगी, जिस प्रकार की स्थितियां हैं। जहां पर कानून की व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी हो, वहां पर आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि उनकी बात कोई सुनवाई करेगा। लेकिन ये तो सही है कि गोरखपुर में आपकी दहशत है, कोई आपके खिलाफ कोई दहशत नहीं है। मैंने सुना आपने बांस फोड़ हिंदू मंच बनाया है। नहीं, हम लोग देखिए, हर जाति के लोगों को हम लोगों ने वहां संरक्षण दिया है। आप ईस्टर्न यूपी में लगभग 56 गांव है, पनटांगिया गांव वन्य ग्राम है। आजादी के 67 वर्षों के बाद भी उन लोगों को मत देने का अधिकार नहीं हो पाया है, बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। उनके बीच में हम लोग काम कर रहे हैं, उनका हम लोगों ने इन विपरीत परिस्थितियों के बाद भी धर्मांतरण नहीं होने दिया है। हम वहां पर भारत नेपाल बॉर्डर पर थारू जनजाति के बीच में हम लोग कार्य कर रहे हैं। हम लोग पूरे नेपाल बॉर्डर पर आईएसआई और माओवादी की गतिविधियों को हम लोग रोक रहे हैं। अगर ये सब करना पाप है तो पाप बार बार होंगे और बराबर करेंगे। हम लोगों से पूछते हैं जो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। सर, जहाँ पे आपके ऊपर चार्जेस की बात आती है, आप कहते हैं आपको भारत के संविधान पे पूरा विश्वास है, फिर वहीं पे आप कंडीशनल हिंसा की बात करते हैं। तो अगर भारत का हर युवक उससे प्रेरित हो जाए, ये सोचने लगे अपनी बुद्धि के हिसाब से कि सारा लीगल सिस्टम बेकार है, तो ऐसे तो फिर सारा संविधान का क्या होने का फायदा है। देखिए, लोकतांत्रिक आंदोलन करना और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात और उसका उस प्रकार का प्रदर्शन करना इस देश के प्रत्येक नागरिक का अधिकार है और उसको करने का मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में आप क्या ये उम्मीद करते हैं कि वहाँ का शासन या वहाँ का कोई प्रशासन किसी गरीब, किसी कमजोर या किसी पीड़ित व्यक्ति की आवाज़ को सुन रहा है। वहाँ पर अगर लोग आंदोलन नहीं करेंगे, जनता के बीच में सड़कों पर नहीं उतरेंगे तो क्या करेंगे उसके बाद। हिंसा की बात हो रही है ना, हिंसा की बात तब जब अगला व्यक्ति हिंसा कर रहा हो और कानून चुपचाप बैठ करके तमाशा देख रहा हो, तो अगले व्यक्ति को उसका पहले अपनी सुरक्षा करनी चाहिए, तब उसके बाद फिर कानून को देखना चाहिए। डिसाइड कौन करेगा? महात्मा गांधी के देश में हिंसा की बात करना, गांधी जी ने सिखाया था ना, अनशन करो, प्रदर्शन करो, धरना दो, हाथ मत उठाओ। गांधी जी की बात उन मानवीय संवेदनाओं और संवेगों के लिए है जिनके अंदर सचमुच मानवीय गुण हो। मानो अगला पक्ष हो, उसके सामने किया जा सकता है, जहां पूरी दानवीय दुष्प्रवृत्ति भरी हुई हो, उसके खिलाफ लड़ने के लिए तो आखिर व्यक्ति को कुछ तो, उनको ध्यान आकर्षित करने के लिए, उनकी कुंभकर्णी निद्रा को ठीक करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। वही होता है, आप इसको नहीं मानते। गांधी जी कहते हैं कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। मैंने कहा मानो होगा तो मानेंगे, दानो होगा तो नहीं मानेंगे।